नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल माई एस्ट्रो गाइड में स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो जो कि महाशिवरात्रि के ऊपर बनाया था, उस पे आपको बोला था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि शिवलिंग को घर पे रखना या स्थापित करना चाहिए या नहीं। तो आज का हमारा विषय यही है कि क्या शिवलिंग को घर पे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रखने में और स्थापित करने में बहुत फर्क होता है। रखने का मतलब होता है कि आप शिवलिंग आपने खरीदा और आप उसको घर पे ले आए और आपने घर के मंदिर पे आप उसको रख दिया। स्थापित करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप शिवलिंग लाए और आपने उसको घर के मंदिर या किसी जगह पे उसको जो है स्थापित कर दिया और उसको सुयोग्य पंडितों को बुला करके आपने हवन वगैरह करवा के और पूरे विधि विधान से जो है उसकी स्थापना कर दी। इसे कहते हैं स्थापित करना। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि स्थापित करना और रखना क्या होता है, तो ये दोनों बिल्कुल सेपरेट चीजें हैं, ये ध्यान में रखिए। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर कि मेरा कहना ये है दोस्तों कि शिवलिंग को कभी भी घर पे स्थापित नहीं करना चाहिए। आप शिवलिंग घर पे रख सकते हैं और वो भी बहुत छोटा शिवलिंग जो कि अंगूठे के आकार का हो उसको आप घर पे रख सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि शिवलिंग को घर पे स्थापित क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे मुख्यतः दो रीजन है। पहला कारण जो ये है कि शिवलिंग जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और खासकर डार्क एनर्जी होती है। तो इसकी वजह से घर पे उसको नहीं रखते, क्योंकि उसकी वजह से लोगों का स्वभाव जो है थोड़ा सा उग्र हो जाता है। और आपने देखा होगा कि शिवलिंग जो मंदिर में रखा होता है उसके ऊपर एक कलश बना होता है और कलश से पानी टपकता रहता है, तो इतनी गर्मी होती है शिवलिंग में ताकि उसके ऊपर फिर पानी टपकता रहे मंदिर में, तो उसको जो है शांत किया जाता है। तो इसीलिए ये तो एक रीजन है जो शिवलिंग को घर पे नहीं स्थापित करते हैं। दूसरी बात जो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं शिवलिंग को घर में ना रखने की, वो ये है दोस्तों कि जो शिवलिंग है उसका बेसिकली शिवलिंग को जब घर में स्थापित करते हैं तो उसके साथ जो शिवगण है और शिव परिवार है वो पूरा का पूरा उनका घर पे समावेश हो जाता है। शिवगण भी उसमें आ जाते हैं और आपको पता है कि शिवगण जो हैं वो उनके गले में हड्डियां वगैरह होती हैं तथा वो लोग तामसिक चीजों का भांग वगैरह का सेवन करते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि जो शिवलिंग को घर पे स्थापित नहीं किया जाता। वास्तु में अगर आपने देखा होगा कि वास्तु में कहते हैं कि मंदिर के आसपास शिव मंदिर जहां पे उसके 200 गज के एरिया में मकान नहीं होना चाहिए, तो उसका भी रीजन दोस्तों यही है। यही कारण है कि शिवलिंग की स्थापना घर पे नहीं की जाती है। अब दोस्तों आते हैं हम तीसरी बात पे कि अगर किसी ने घर पे शिवलिंग रखा है, जैसे मैंने बोला अंगूठे के आकार का, या खासकर पारद शिवलिंग बहुत रखते हैं लोग और रखना भी चाहिए क्योंकि पारद शिवलिंग जो है उसके बहुत फायदे होते हैं। तो अगर हमने घर पे शिवलिंग रखा हुआ है तो क्या करना चाहिए हमें? दोस्तों, जैसे मैंने पहले बनाया कि रूल फर्स्ट की शिवलिंग में बहुत एनर्जी होती है, पावरफुल होता है बहुत ज्यादा, तो आप उसको जो है घर में गंगा जल से या साफ पानी से प्रतिदिन उसको स्नान करवाएं, उसको जल अभिषेक करते रहें। दूसरी चीज, कभी भी दोस्तों शिवलिंग के ऊपर सिंदूर कुमकुम आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये श्रृंगार की वस्तुएं हैं और इनको जो है शिवलिंग के ऊपर इनका अभिषेक नहीं किया जाता है। एक और चीज दोस्तों जो ध्यान देने वाली है, जो लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, वो ये है कि जो शिवलिंग होता है दोस्तों उसके ऊपर जो है तुलसी कभी नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि शायद आपको पता नहीं है कि तुलसी जो थी वो जलंधर, राक्षस जलंधर जो थे उनकी पत्नी थी, और जलंधर की हत्या में भगवान जो शिव हैं उनका वो माना जाता है कि उनके द्वारा उनकी हत्या हुई है, वो एक कारण माना जाता है उनको। इसलिए तुलसी का प्रयोग जो है वो शिवलिंग के अभिषेक के लिए या शिवलिंग की पूजा में उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, जब भी आप शिवलिंग घर में रखते हैं तो जब उसकी पूजा करते हैं तो पूजा जो है वो ओम नमः शिवाय का जो शिव का पंचाक्षरी अक्षर है, पंचाक्षरी शब्द है, उसका जरूर जो है प्रयोग करना चाहिए। शिवलिंग के बहुत सारे फायदे हैं। अकाल मृत्यु के भय से जो है शिवलिंग मुक्त कर देता है, लेकिन उसकी प्रॉपर तरीके से जो है पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा जो बेल आइकन है घंटी उसको दबाना ना भूले, क्योंकि अगर आप उसको नहीं दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूं इतनी मेहनत से वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। धन्यवाद।